करण ओजला भाई का डिवाइन के साथ जो एल्बम आया था उसमें एक गाना था ओवरसीज, काफी लोगों ने बोला ओवरसीज गाना बनाओ, तो हमने आज ये गाना बनाया है। बीट मैंने पूरी बनाने की कोशिश की है, तो प्लीज लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जो भी मेरे नए भाई आए हैं, जो पुराने भाई हैं, लाइक कमेंट जरूर करके जाया करें ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। पहले हम पूरा बीट सुनेंगे, फिर हम देखेंगे जो बीट में है क्या काम रखा है, चलिए देखते हैं। कमेंट जरूर करके बताएं आपको गाना जो है कैसा लगा है, पहले ट्रैक में क्या काम हो रखा है, ओपन करके हम देखते हैं। यहाँ पे पहले ट्रैक में हमने प्योरिटी ले रखा है कुछ सैंपल्स के लिए, कुछ लीड्स के लिए हमने यहाँ पे प्रीसेट में गिटार में हमने वाइट प्लग्ड मोड यूज कर रखा है, सुन के देखते हैं पहले ट्रैक में क्या हो रखा है। इसको हमने पैन कर रखा है यहाँ पे इसके राइट और लेफ्ट में, हल्का सा राइट में जा रहा है, हमने इसमें ऑटोमेशन लगा रखा है। नेक्स्ट ट्रैक में हमने क्या काम कर रखा है, हमने सेम लीड ली है, हमने उसके लिए हिटअप टू यहाँ पे यूज़ कर रखा है जो कि थर्ड पार्टी वीएसजी प्लगइन है। यहाँ पे ब्रास के अंदर हमने हाउ वी डू लगा रखा है प्रीसेट, सुन के देखते हैं। इसको हमने यहाँ पे 8D में पैन कर रखा है। थर्ड ट्रैक में क्या हो रखा है हम यहाँ पे सुन के देखते हैं। हिट अप टू के अंदर आपने चले जाना है दोबारा से क्वाइट्स में, फिफ्थ एव आपने प्रीसेट यहाँ पे लेना है। तो बेसिकली ये ऑडियो इंजीनियरिंग का यहाँ पे काम आ गया है मेरे को, सेम सैंपल तैयार करने के लिए जो गाने में यूज कर रखा है मैंने तीन लेयर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तीनों को जब मिक्स करेंगे तो कुछ ऐसा साउंड आपको सुनने को जो है मिलेगा। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पैड्स का यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो किया गया है। हिट अप टू के अंदर हमने पैड्स लगा रखे हैं, लेफ्ट पैनिंग हार्ड कर रखी है, यहाँ पे क्वायर्स के अंदर समुद्र जो है प्रीसेट यहाँ पे लगा रखा है, ये सिर्फ लेफ्ट में चल रहा है। राइट में क्या चीज़ चल रही है, सेम हमने हिट अप टू यहाँ पे ले रखा है, सेम पैड्स यूज कर रखे हैं, सेम कोड के अंदर ई माइनर के अंदर जो कि हमारा स्केल है, टेम्पो हमारी रहेगी 125, क्वायर्स के अंदर वू आह करके जो है प्रीसेट ने यूज कर रखा है। सिर्फ हम इसी को सुनेंगे राइट वाले में तो आपको सुनने को मिलेगी एक चीज, और यहाँ पे बिल्कुल ठीक, तो ये बिल्कुल राइट में आ गई। उसके बाद हमारा ड्रम का सेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा यहाँ पे, अभी इसकी टाइमिंग है जो स्नैप की यहाँ पे 1/4 सेलेक्ट कर रखी है। अगर आपने एक एडवांस किक यहाँ पे डबल में ऐड करनी है तो आपको यहाँ से 1/3 पे जाना होगा ताकि आप एक किक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सके, फिर से दोबारा 1/4 पे आ जाएंगे तो आपकी स्नैप कि जो ग्रिड है वो सेम पहले वाली 4 क्लिक्स में आ जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा काम है। इसके साथ आपने जो है 808 यहाँ पे लगा रखी है हमने यहाँ पे, तो किस तरीके से लगाई है वो सुन के देखते हैं। यहाँ पे हमने स्लाइड नोब्स यूज कर रखे हैं जो कि स्लाइड का इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, किसी भी नोब पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्लाइड को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, सेम ये ऊपर वाले बार में और सेम इसमें ऊपर वाले ऑक्टेव में।
और फिर से हम यहाँ पे डाउन में एक जो है यहाँ पे स्लाइड लगाएंगे ताकि हमारा जो ए इफेक्ट बन के निकल के आए। ठीक है जी, बिल्कुल सही। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर दें। एक हॉर्न लगा रखा है जो गाने में यूज़ हो रखा है, साथ में हाई हैट्स चलेंगे क्लोज वाले। पूरा सुन के देखेंगे यहाँ पे हम, सिर्फ इतना सा काम और है, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं, बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ साथ में बने रहिए। जय श्री राम, राधे कृष्णा, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।